Hey everyone, welcome to this new video. New day, new beginnings, and here we are again. Welcome to this new vlog, guys. This is day 2 of Mumbai. अभी मैं जा रहा हूँ वीरा देसाई रोड, जो कि आता है अंधेरी में. अंधेरी is one of the most busiest and crowded places in Mumbai. बहुत सारा इंडस्ट्री का काम, रिकॉर्डिंग, सिंगिंग, डबिंग, फिल्म से रिलेटेड सब कुछ अंधेरी में होता है. मेजर पार्ट ऑफ इट अंधेरी में किया जाता है. बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं यहाँ पर. ऑडिशंस वगैरह मूवीज के, बड़ी बड़ी मीडिया फर्म्स, सब कुछ यहाँ पर है अंधेरी में. बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे लाउंजेस, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत हैपनिंग सी प्लेस कहलाती है अंधेरी. अंधेरी वेस्ट स्पेसिफिकली, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडियोज हैं. बालाजी टेलीफिल्म्स का स्टूडियो है, यशराज का स्टूडियो है, राम गोपाल वर्मा का स्टूडियो है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियोज हैं. तो मुझे एक दो जगह मिलना है कुछ लोगों से, साथ ही साथ आपको भी घुमाऊंगा कि कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कैसी कैसी रोड होती है, कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ पर गलियों में कौन कौन से हाउसेज हैं, दिखाता हूँ मैं भी. दिस इज जस्ट अनदर डे इन मुंबई. और बॉम्बे में हो तो भाई रिक्शा से ही ट्रैवल करना बेस्ट होता है. पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं, व्हीकल की प्रॉब्लम नहीं, तो जहाँ पर भी जाना है ऑटो रिक्शा इज ऑलवेज रेडी. सो व्हेन इन बॉम्बे, ट्रैवल विद एन ऑटो रिक्शा. तो ये मैं पहुंच गया हूँ वीरा देसाई रोड. वीरा देसाई रोड के पीछे हूँ मैं, और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या है. सबसे पहले सामने जो आप देख रहे हो, ये राम गोपाल वर्मा का प्रोडक्शन हाउस है, कंपनी. तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फॉर लीज लिखा हुआ है, तो शायद ये अब बिकने वाला है या क्या होने वाला है, आई डोंट नो. कुछ तो है, काफी स्पूकी सा फॉन्ट दिया हुआ है जो राम गोपाल वर्मा का होता है. ये राम गोपाल वर्मा का ऑफिस, कंपनी. इस पे दिया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है. पूछते हैं, चलो गार्ड से पूछते हैं यहाँ पर, कि भैया बंद हो रहे के? बंद हो गया. लीज पे लिखा है, मतलब गोवा पे ऑफिस खोल दिया, तो अब ये यहाँ से हट रही है, मतलब बिल्डिंग हट गई. ये प्रोडक्शन हाउस तो बंद हो गया है, और ये बिल्डिंग किसी ने खरीद ली है, बस हट ही नहीं है अभी. तो ऑलरेडी ये बिक चुकी है, मतलब ये कंपनी. तो कंपनी जो है वो बंद हो चुका है. काफ़ी सारी फिल्म्स का डिस्कशन, बहुत सारी फिल्म्स की बातें, सत्या से लेके जितनी भी तमाम फिल्म्स रही हैं राम गोपाल वर्मा की, वो सब यहीं पर बनी थी, यहीं पर उनकी बातें हुई थी, यहीं पर डिस्कशन हुआ था, सारा कुछ यहीं पर डिसाइड हुआ था. और अब ये फाइनली बंद हो चुकी है. फॉन्ट देखकर ही काफ़ी राम गोपाल वर्मा वाली फील आती है. देखो ये बंदूकें लगी हुई हैं, ये ग्रेनेड्स लगे हुए हैं. चलो आगे चलते हैं. ये मेन हम वीरा देसाई रोड आ चुके हैं. यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लाउंज हैं, इस रोड में प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं. आगे ही बालाजी का ऑफिस है, अंधेरी वीरा देसाई वाला, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको. रुको, यहाँ पर लोगों की लाइन लगती थी, क्योंकि सामने ही उसके जस्ट छोले कुलचे वाला है और टिक्की वाला है, पराठे वाला. यहाँ पर लोगों का लंच और रिफ्रेशमेंट ब्रेक रहता है यूजुअली, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं. और ये फिलहाल हम पहुँच गए हैं, देखो यशराज के स्टूडियो. ये है यशराज फिल्म स्टूडियोज का रिकॉर्डिंग ऑफिस. यहाँ पर सारी डबिंग फिल्म्स की रिकॉर्डिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन सब कुछ यहीं पर होता है. जितनी भी यशराज की फिल्म्स रहती हैं, तो यहाँ सब कुछ साउंड से रिलेटेड जितना भी काम है यशराज फिल्म्स का, वो यहाँ पर होता है. और यहाँ से थोड़ा आगे चले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं इस एरिया में. जस्ट हियर इज बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑफिस. I'll show you it. This is Balaji Films. This right over here in front of me is बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑफिस. यहाँ पर बालाजी की, मतलब एकता कपूर का जो प्रोडक्शन हाउस है, उससे रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ होती हैं, जितने भी वेब सीरीज शोज होते हैं, वो सब यहीं पर बनते हैं, यहीं पर डिस्कस किए जाते हैं. तो उनका प्री प्रोडक्शन जो है वो सब यहीं पर होता है. यही है वो पराठे वाला एरिया जो मैं बता रहा था आपको.
यहाँ पर मैंने भी काफी कुछ खाया है। ये लाइन से पूरी ईट स्ट्रीट है यहाँ की, यहाँ पर लोग खाते हैं। ये जूस वाले भैया के पास तो ना जाने मैंने कितनी बार जूस पिया होगा। सर वीरा देसाई रोड काफ़ी बड़ी है और हम पीछे से घूमते हुए आ रहे थे यशराज का ऑफिस, और यहाँ उसका दूसरा गेट है, मैं दिखाता हूँ। ये यशराज स्टूडियोज़ के ऑफिस का दूसरा गेट है, इसके आगे 3 से 4 गेट है, मुझे पता नहीं है कितने हैं लेकिन काफ़ी सारे हैं। तो पीछे जो हम देख कर आए वो पहला गेट था और ये सेकेंड गेट है। आगे यहाँ पर मॉल है, वो भी दिखाता हूँ मैं, रुको। ये है सिनेपोलिस, यहाँ पर मैंने ना जाने कितनी मूवीज़ देखी है यार, मुझे खुद याद नहीं है कितनी मूवीज़ देखी है मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं अक्सर आया करता था तो मुझे बहुत, आई एम हैविंग वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इट। दिस इज सिनेपोलिस मॉल, सिनेपोलिस यहाँ वीरा देसाई रोड के स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है। ना जाने कितनी मूवीज़ देखी मुझे खुद याद नहीं, क्योंकि वेंसडे के शोज यहाँ पर काफ़ी सस्ते रहते थे आईनॉक्स के। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज इन मुंबई जहाँ पर मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर चेकिंग भी हुई है अभी मेरी सर्टिफिकेट की, उन्होंने पूछा कि आपको दोनों वैक्सीन लगे हैं कि नहीं लगे, तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने फिर मेरा सर्टिफिकेट मांगा, मैंने उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया अपना दिखाया, तब मुझे एंट्री मिली है। और मुझे उनसे अभी पता चला है कि आज से ही थिएटर खुला है यहाँ का, तो फिलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है अभी मूवी देखने का, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने की, ऊपर मूवी सेक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लोर करने की। ये है टिप्सी जिप्सी, ये एक पब है यहाँ पर, और ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वेज, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, डॉ में भी आ चुका हूँ मैं। सो दीज आर गुड प्लेसेस हियर जहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ का भी खाना काफ़ी अच्छा है, इटालियन काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ये आयरिश हाउस क्लबिंग वबिंग के लिए होता है, मैं नहीं गया हूँ यहाँ पर। और ऊपर है सेकेंड फ्लोर पर सोशल, और उसके ऊपर फिर मल्टीप्लेक्स है। तो ये अभी जो जगह खाली दिख रही है ये बहुत हैपनिंग हुआ करती थी एक और, लेकिन अभी चूँकि कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद और रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर। दिस यूज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेज, यू विल सी पीपल एवरीवेयर सिटिंग ओवर हियर इन द स्टेयर्स, यहाँ पर पूरी जगह भरी हुई रहती थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सारे लोग ही बैठे हुए रहते थे, यहाँ पर सब कुछ, सारा कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड रहता था। यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे जो बाहर से आए हुए रहते थे, कहीं मूवीज़ देखने के लिए आए हों या फिर लाउंज या पब्स के लिए आए हों, बट यूजुअली यहाँ पर सारे लोग वही होते थे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर सारे इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मीडिया फर्म्स हैं, स्टूडियोज़ हैं। अभी यहाँ का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे भी अजीब लग रहा है क्योंकि आसपास कोई नहीं बैठा, उस जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं हज़ारों लोगों की भीड़ रहती थी, और अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, लिटरली खाली पड़ा हुआ है। ये थोड़ी देर बैठ कर यहाँ थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो मिनिस्ट्री बाय डांस इज ऑफ रेमो डिसूजा, ये रेमो का है मिनिस्ट्री ऑफ डांस, और यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी एक बार, जब यहाँ पर रेमो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। आई डोंट नो, आई गेस अभी लॉकडाउन की वजह से ये बंद है शायद, क्योंकि मतलब मुझे ये क्लब दिख नहीं रहा है, पता नहीं। एक्सक्यूज मी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डांस बंद हो चुका है? ओके, यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ डांस, यहीं पर परफॉर्म किया था हमने, और आई डोंट नो अभी चालू है या बंद हो चुका है, बट लॉकडाउन के पहले तो मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो आई गेस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि शायद बंद हो गया हो, क्योंकि बिजनेस बहुत सारे लोगों का अफेक्टेड हुआ था लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे थे, और लोग नहीं आ रहे थे तो किसी का भी बिज़नेस कितना भी बड़ा से बड़ा बिज़नेस हो चल ही नहीं रहा था। बट यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल था, और ये इसको ओपन हुए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ डांस को टाइटल हटाया नहीं है अभी उन्होंने, तो शायद मे भी हो सकता है कि बंद ना हुआ हो। और ठीक सामने यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, आई विल शो यू, ये अंदर जो ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर होता है, बहुत सारी फिल्म्स के बहुत बड़े बड़े सेट भी लगते हैं यहाँ पर अंदर, उस वजह से भी ये एरिया सिक्योर करके रखा है। ये वाइपर एयर बार जो मिनिस्ट्री ऑफ डांस से लगा हुआ है, ये यशराज फिल्म स्टूडियोज का पीछे वाला गेट, अभी हमने जो देखा था वो उस तरफ से देखा था, ये इस तरफ से दूसरा गेट है उसका, सेम जगह है ये, इतनी बड़ी जगह है कि इसके 3 से 4 गेट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा स्टूडियो है।
ये है एक और स्टूडियोज साउंड आइडियाज। यहाँ पर भी मैं डब करने आ चुका हूँ ऑलरेडी काफ़ी बार। यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स का डब हो चुका है। मैंने यहाँ पर लव आजकल 2 का क्राउड डब किया था और ये आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, क्या नाम था मूवी का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मंगल ज्यादा सावधान, उसका भी क्राउड डब किया था हमने। तो यहाँ पर मैं 2-3 मूवीज डब कर चुका हूँ और एक और मूवी की थी शायद, तो यहाँ पर मैं 2-3 मूवीज कर चुका हूँ ऑलरेडी डब। क्राउड वर्क काफी अमेजिंग टाइम होता था, काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। और यहाँ पर बहुत सारी मूवीज की डबिंग होती है, जितने बड़े बड़े डबिंग डायरेक्टर्स हैं वो साउंड आइडियाज जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है अंदर से और एक साथ अराउंड 50 से ज़्यादा लोग डब कर सकते हैं इन वन टेक, इन वन गो, एक साथ खड़े होकर। तो अंदर रिकॉर्डिंग रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए साउंड आइडियाज इज अमेजिंग। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से लोग आते हैं डबिंग करने, जब प्रोजेक्ट असाइन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आते हैं यहाँ पर लोग डबिंग करने के लिए। तो वीरा देसाई रोड में वैसे ही बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, यहाँ पर इस लाइन में और भी सारे स्टूडियोज़ हैं, हर जगह का तो मुझे नहीं पता बट ये कुछ जगह थी जो मुझे पता है। अंदर बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं और भी। वाओ, व्हाट अ व्यू।